कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सभी 224 सीटों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा 113 को पार कर लिया है। कांग्रेस की जीत को लेकर अस्वस्थ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने के साथ साथ लड्डू बांटना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में AICC मुख्यालय में लड्डू बांटे जा रहे हैं। AICC मुख्यालय में जश्न के बीच एक कार्यकर्ता भगवान हनुमान का रूप धारण कर पहुंच गया, जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में जय बजरंग बली के नारे गूंजने लगे। बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि उसकी सरकार आने पर वह PFI की तर्ज पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगा। भाजपा ने कांग्रेस की इस घोषणा को भगवान हनुमान से जोड़कर इसे राजनीतिक रंग देने का और प्रचार अभियान के दौरान हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने मतगणना से पहले दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान 10 मई को हुआ था। अब नतीजे आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।